श्रेया जी, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन हुई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी श्रेया जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अगर हो सके तो थोड़ा सा लाउड आप बोलिए, क्योंकि थोड़ी कम है आपकी आवाज। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा और लाउड बोलने की। जी तो एक चीज जो मैंने फील की है कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान में किया है वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग तो है ही, लेकिन तो फील होता है कि यहाँ इंडिया में लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अंदर से, क्योंकि यही क्या कंडीशन कुछ महीने पहले, बस 1 या 2 महीने पहले, जब इसराइल और फिलिस्तीन पर हो रहा था, तो पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम, हर जगह लोग स्टेटस लगा रहे थे, लेकिन अब राइट लोग हमें दिखाई नहीं देते। तो ये कैसी मेंटालिटी है जहाँ पर दो तीन लोग, अगर मैं ये नहीं कहती कि जो भी फिलिस्तीन में हुआ वो सही था, लेकिन जो तालिबान कर रही है अपने ही शहरियों के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ, तो वो तो बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जिसको आई जी थिंक हम किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम इसराइल के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। जो भी तशद्दुद वो लोग कर रहे हैं उसके, तालिबान के सामने इट इज नथिंग, इट इज पीनट्स। सो व्हाई दीज पीपल, इफ दीज पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द अफगानिस्तान, द मुस्लिम्स बीइंग किल्ड इन अफगानिस्तान, सो हाउ दिस इज प्योर हिपोक्रेसी। तो मैं इस चीज को समझ ही नहीं पाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे हो सकता है कि आप एक जगह आपको इतना दुख हो रहा है और एक जगह आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं है। आई थिंक इसकी, श्रेया जी, इसकी वजह ये हो सकती है कि सिंस उनको ऐसा दिख रहा है कि शरिया लॉ आ जाएगा, और क्योंकि शरिया यानी शरीयत से मोहब्बत है, तो इसके वजह से उनको लगता है कि चीजें बेहतर होगी। बट उनको ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए कि जहां पे भी इस तरीके से कोई अगर चीज आती है तो वहां की कंडीशन कैसी हो जाती है। वो स्टेट, वो कंट्री, वो इलाका जो है वो पिछड़ेपन की तरफ जाता है। वहां पे आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, इराक देख लीजिए, डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा अगर शरिया लॉ और इस तरीके से, जिस तरीके से तालिबान गन्स लेके और इस तरीके से अगर वो सड़कों पे जैसा कोई एक जंगल राज है उस तरीके से अगर आप देखते हो, तो जस्ट इमेजिन के वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड के सिचुएशन क्या होगा उनका। और आपने सही कहा कि जितने मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉपरली अपना व्यू रखना चाहिए कि व्हाट दे थिंक अबाउट दैट। मतलब वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। जिस तरीके से हमने वीडियोस देखे हैं कि लोग एक अफवाह फैली के विदाउट वीजा और टिकट आपको जाने का मौका मिलेगा, तो उधर का जो एयरपोर्ट है वो पूरा लोगों से फुल हो गया उधर। बच्चे, बड़े और औरतें, महिलाएं, बुजुर्ग, ये सब वहां से भागने की चक्कर में है। तो उसकी क्या वजह है कि वो भागना चाहते हैं, हालांकि तालिबान जो है वो एक मुस्लिम संगठन है। तो एक मुस्लिम संगठन से मुस्लिम ही क्यों भागना चाह रहे हैं? तो कुछ तो वजह होनी चाहिए। उन्होंने कुछ देखा होगा, उन्होंने सहा होगा कि किस तरीके, उनको पता होगा कि अगर ये चीज हम पे मुसल्लत की जाती है, अगर ये हम पे पावर में आ गए तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। और ये जी बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि वो लोग भागना चाह रहे हैं। मतलब आप न्यूज में अगर हम वीडियोस देख रहे हैं, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। जी लेकिन भारत में जो मुस्लिम्स हैं तो वो तो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि भारत में भी शरीयत हो। और मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ मेंटालिटी को, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे पढ़े लिखे होने या अनपढ़ होने का कोई सवाल नहीं है। मैंने देखा है जितने ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं उनकी सोच, खासकर एक समुदाय की, मैं नाम नहीं लेना पसंद करती हूँ, एक समुदाय की कभी कभी बदलती ही नहीं है। मतलब हम देखते हैं कि पुरानी सोच और दकियानूसी सोच रखने वाले तो आपको हर एक समाज में मिल जाएंगे, लेकिन जब वो एजुकेटेड होते हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार समाज में जाते हैं, तो वो अपनी सोच बदल लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हो या फिर एजुकेटेड लोग हो, उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो दे ट्राई टू डिफेंड इट फॉर सम रीजन। और ये एक बहुत ही खराब
स्कैरी सिचुएशन बन जाती है इंडिया के लिए. एज एन इंडियन जब मैं एक चीज को फील करती हूँ, आई फील कि आने वाले कुछ सालों में तो ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है. अगर ये लोग तालिबान अफगानिस्तान में ऐसा कर सकते हैं, तो क्या इंडिया इंडिया में इतने लाखों करोड़ों लोग नहीं है जो इसी इसी चाहत के साथ जी रहे हैं? और तालिबान का इन्फ्लुएंस अगर भारत में हो, तो यहाँ से भी लोग रिक्रूट होंगे, जैसे पाकिस्तान से लोग रिक्रूट होकर के अफगानिस्तान अफगानिस्तान जाते थे, भारत से भी लोग रिक्रूट होंगे और यहाँ पर भी तबाही मचाएंगे. तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे रहेंगे फिर? मतलब श्रेया जी, असल में मैं और मसूद हम लोग आज आफ्टरनून में ही ये डिस्कस कर रहे थे, यानी आज हमारी बात हुई, कल बिल्कुल बात नहीं हुई थी मसूद के साथ, आज हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मैंने मसूद को बोला और मसूद ने भी अग्री किया मुझसे कि इंडिया में शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कि आप देखो ना, अभी अफगानिस्तान में बिल्कुल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ फाइट बैक, कुछ यानी कुछ भी आपको वहां पे ग्राउंड लेवल पे कोई वो दिख ही नहीं रहा कि वो कैसे बच के, बस जो सदर था वो वहां से भाग गया। आई मीन यू हैव मिलिट्री पावर, कुछ उसमें ना कोई यहाँ वहां से दोनों जगह से कुछ रिटेलिएशन कुछ नहीं देखने मिला। सीधा हमको ये देखने मिल रहा है कि सीधा ओवर पावर कर दिया। तो थोड़ा सा शक ये लगता है कि कहीं ये पूरा अंदर का तो खेल नहीं है। इतनी आसानी से कैसे कोई भी किसी की भी सत्ता को छीन सकता है? आप समझे मेरी बात श्रेया जी? जी. तो इट सीम्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं हकीकत क्या है, और इसके लिए हम ये स्ट्रीम कर रहे हैं समझने के लिए बाकी लोगों से भी, खास करके जो हमारे मुसलमान व्यूअर्स हैं उनसे, कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में शायद इस तरीके की चीज पॉसिबल नहीं हो, बिकॉज वी हैव मिलिट्री, वी हैव पुलिस, वी हैव इंटेलिजेंस, जो इतना बड़ा कदम तो नहीं हो सकता है। एंड आई विश कि ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो। जी, आई विश दैट टू. और मैं भी यही चाहती हूँ कि इंडिया में इस तरह की कंडीशन कब, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कभी का नहीं नहीं आनी आए. चाहिए। हाँ इनफैक्ट बिल्कुल. श्रेया जी, आप देखिए कि एक सऊदी अरेबिया जैसा कट्टर मुल्क, उसमें यू विल सी लॉट ऑफ प्रोग्रेस। यू नो, जो पहले कितनी सारी चीजें महिलाओं को जो ड्राइविंग अलाउड नहीं था वो हटा दिया उन्होंने। आई मीन यू यू विल सी दैट अपग्रेडेशन, उनकी सोच थोड़ी तो चेंज हो रही है। एमबीएस ने आके तो जो मेन हदीस का जो पूरा जखीरा था उसमें से 70-80% को ही उसने रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ कुछ जगह है जहां पे अपग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगह है, और खास करके आप देखोगे कि यही सब इलाके जो फिक्स, आप देखो, आप पहले से आप गौर करो कि जो इलाके फिक्स है ये चीजों में, वही ये सब चीज होती है, बिकॉज देयर इज नो डेवलपमेंट। आपको पता होगा इराक, आप जब भी देखोगे इसमें इराक का एक नाम आएगा, सीरिया का एक नाम आएगा, और अफगानिस्तान हो गया, और इस तरीके से ये कुछ फिक्स जगह है जहां पे हम ऐसी चीजें देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप गल्फ में भी देख लो तो अपग्रेडेशन काफी हुआ है। आप सऊदी, हालांकि अब तक सलमान से पहले तक तो काफी स्ट्रिक्ट था, लेकिन अब वो भी चेंज हो रहा है। दुबई देख लो आप कतर देख लो, कुवैत देख लो, बहरेन देख लो, काफी फ्री है कंपेयर टू यू नो ये जो हमने अभी जो नाम देखे हैं उसके मुकाबले में। तो मेरा ऐसा समझ है कि इट्स वेरी यू नो इम्पॉसिबल कि ये वहां से उठ के यानी हमारे हिंदुस्तान में या फिर दूसरे स्टेट में इस तरीके की चीजें हो सकती है। जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कंसर्न ये है कि भारत में वो चीज देखने को नहीं मिल रही. आप जो कह रहे हैं ना कि सऊदी अरेबिया और वहां के लोग अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसका रिवर्स हो रहा है. मे बी बिकॉज यहाँ पे लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं है. क्या रीजन है? आप देख रहे होंगे पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल है. यहाँ के लोगों की सोच पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक सातवीं शताब्दी की है. और प्रॉब्लम ये नहीं है कि अफगानिस्तान से तालिबान उठ के आ जाएंगे. यहाँ अफगानिस्तान के से अंदर के तालिबान लोगों की बात करो ना आप। जी, हमारे अंदर के ही लोग होंगे जो खुद तालिबान बन जाएंगे. अब अपना कुछ भी नाम दे. इसमें एक चीज सिर्फ मैं श्रेया जी कहना चाहूंगा, मतलब चूंकि मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग यू नो मुस्लिम्स, ठीक है, मैं कभी भी ऑनेस्टी को प्रिफर करता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने ये देखा है, जहां तक कि आप पॉपुलेशन की बात करो, मैं जहां पे पला बड़ा हूँ और मैं जितने लोगों को देखा हूँ अलग अलग जगह पे जाके,
आप अगर पॉपुलेशन की भी बात करो तो मेनी मुस्लिम्स, ठीक है, चाहे वो अच्छे से पढ़े हो या थोड़ा मिडिल उसमें पढ़े हो, यानी एकदम ज्यादा उनका एडुकेशन नहीं था, फिर भी आज की तारीख में बहुत से मुसलमान दे डू नॉट प्रिफर मोर देन टू चाइल्ड, ठीक है। ओके दैट्स ग्रेट हाँ टू नो। जी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, ओके, बट मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ मैं उससे मतलब हट नहीं सकता हूं। मतलब कुछ तो किधर तो सोच थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है। असल में श्रेया जी प्रॉब्लम ये है ना कि अभी देखो शरीयत है ही नहीं, इसकी वजह से उनको पता नहीं है कि शरीयत लागू हो जाएगी तो होगा क्या, और ना ये गौर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, ये गौर नहीं कर रहे। अगर ये गौर करेंगे तो ये खुद नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर शरीयत आए, आप समझ रहे। बल्कि कई सारे इंडियन हैं जो मुस्लिम्स हैं, जो जब सऊदी अभी जैसा एडवांस हो रहा है वैसा नहीं था, जब उनको गल्फ जाना होता काम के सिलसिले से जॉब के लिए, तो वो सऊदी जाना पसंद नहीं करते। वो लोग चाहते हैं कि हम उसके बदले दुबई चले जाए, कुवैत चले जाए, बिकॉज दे नो कि वहाँ के जो लॉज है जो शरीयत से यानी मैच होते हैं वो उनको उसमें नहीं जाना है, दे वॉन्ट टू अवॉइड देम सेल्फ, समझ जी है। तो ये जी दूसरे लोगों के लिए तो पसंद कर रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं है एक्चुअली, या ये गौर नहीं कर रहे, या इसको अंधापन कहा जाए पता नहीं। वो तो अभी जब कोई मुस्लिम कॉलर आएगा तो वो बता सकता है। जो ये चीज दूसरे के लिए सोच रहे हैं ये खुद वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। मसूद, आपको कुछ जी ऐड करना है, फिर हम दूसरे कॉलर को लेंगे। मसूद म्यूट पे है, मसूद हाँ जस्ट क्रिटिकल। एक जी तो जी शेयर जी, आप बोलिए जी मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ जी। एंड आप जैसे लोग जो है जो खुल के आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, वैसे मुझे बहुत दुख होता है कि इंडिया जैसे देश में रहने के बावजूद भी आप लोगों को अपनी आइडेंटिटीज छुपानी पड़ती है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अदर कम्युनिटीज अगर मैं ये कहूँ कि आई डोंट बिलीव इन दिस बुक, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, तो मुझे मुझे खुद को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इट सेल्फ टेल्स कि एक एक सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज वेरी करेजियस ऑफ यू दैट यू कम एंड यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, और आपके थॉट के वजह से मे बी कोई आपके जैसा इंसान जो खुद बहुत लाइफ में परेशान है और बाहर निकलना चाहता है उसे भी आप इनकरेज कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी जी थैंकफुल फॉर पीपल लाइक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शेया जी आपका। इसी तरीके से हमारी आप सपोर्ट करते जाइए चैनल की, टू शेयर आर मैसेज। आई मीन यू नो द पीपल हैव टू बी आर वॉइस, आई एम श्योर यू विल जी अग्री विथ मी। लोगों को हमारी आवाज बनना पड़ेगा, वीडियोस हमारे चैनल हमारे शेयर करके। या डेफिनेटली मैं जी आपके वीडियो शेयर करती हूँ। थैंक जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रेया जी, आप आई। यू वेरी मच। या थैंक्स अ थैंक लॉट, यू मानने से जानने की ओर 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे हैं कश्मीरी हिंदू एक्साइल हैपेंड रिसेंटली इन 1990, देयर मुस्लिम नेबर्स टर्न्ड अगेंस्ट देम, वी हैव टू बी केयरफुल, फ्यू केरला वेंट टू तालिबान। यस आई टोटली अग्री विथ यू कि ये तो कश्मीर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और उसके बाद केरला से भी कुछ लोग गए थे। बट मानने से जानने की ओर, जैसा कि मेरी समझ है उस हिसाब से मैंने बताया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट के अपने भारत में ऐसा कुछ हो सकता है कि अचानक जिस तरीके से ये अफगानिस्तान में कंट्रोल आया उस तरीके से कोई हमको हाईजैक कर ले और एक दिन यू नो हम उठे और भगदड़ मच जाए कि यार शरिया लॉ आ गया, इधर यहाँ से जाना है। आई थिंक दैट इज नॉट पॉसिबल, बट अगेन दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई मे बी रॉन्ग। और भी शायद दो सुपर चैट थे। ऐसा अपना अपने देश का जो डेमोक्रेसी है वो इतना वीक नहीं है, इसलिए मतलब ये चीज़ इतना इजीली, जब तक स्टेट उसके फेवर में ना हो, मतलब जैसे कि कोई रनिंग गवर्नमेंट है वो अगर उसके फेवर में है वो भी चाहती है, या उसका रूलर जो वो पार्टी का जो ओनर है या फिर जो गवर्नमेंट का जो मेन पर्सनैलिटी है, जब तक वो नहीं चाहता तब तक इतना इजीली वो नहीं कर सकता है अपने कंट्री में। राइट।
क्रिटिकल रीजनिंग जी, तालिबान 12 से 45 तक एज की लड़कियों को मांगे हैं जो जुड़ते मोमिन तालिबान के शरिया पसंद करते हैं, अपने घर की बहन बेटी को तालिबान को दे। तालिबान 12 से 45, 12 से 45 तक एज की लड़कियों को मांगे हैं जो जुड़ते मोमिन तालिबान के शरिया पसंद करते हैं अपने घर। हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो मोमिन लोग जुड़ते हैं उनसे, उनको अपने घर की बहन बेटियों को भी उनके साथ जोड़ना चाहिए, ऐसा क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं। मसूद, शायद हमने एक और एक सुपर चैट मिस किया है किसी का। देख लेता हूँ मैं एक बार। क्रिटिकल रीजनिंग जी का शायद और एक था ना, 40 रुपीस वाला। हाँ मिल गया मुझे, सही। साहिल भाई, 2 चिल्ड्रन बट फ्रॉम 1 वाइफ, मतलब 8 हो गए वैसे तो। गालिब भाई से भी रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाए। श्रेया जी, मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, विल टेक समवन एल्स। श्योर। जी, थैंक्स अ लॉट।